पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुस्लिम बोर्ड से मोहम्मद साहून ने यह मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि राजगढ़ में जो प्रशासन द्वारा मंदिर तुड़वाया गया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बयान दिया कि किसी में दम हो तो मस्जिद का कंकर भी हटा कर दिखाए, जिससे समुदाय विशेष के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खटास पैदा होगी, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इसी विषय को लेकर योगेश मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। जब इस विषय को लेकर योगेश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा बयान किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अभी कुछ दिन पहले आप सभी को विदित है कि राजगढ़ में जो प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया भाजपा के नगरपालिका बोर्ड और कुछ प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने वहाँ अनुचित और असंवैधानिक बयान दिया, खास तौर पर मुस्लिम समाज के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया कि आप मस्जिद की दो कंकड़ तो हटा दो, दो मिनट में पता चल जाएगा। मतलब वो देश के बहुसंख्यक समाज को, एक मुस्लिम समाज का डर दिखाकर उन्हें उकसाना चाह रहे थे, और ऐसे उकसाकर वो किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। ये देश के खिलाफ बयान था। इस भाईचारा देश का खराब हो रहा है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 295 ए 298 के तहत मुकदमा बनता है। सभी मुस्लिम समाज के और सब समाज के लोगों ने यहाँ मिलकर, सभी युवा साथियों ने आज मुकदमा दर्ज कराया है उनके खिलाफ, जिसकी एफ आई आर कॉपी के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। जब तक एफ आई आर कॉपी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम उम्मीद ये भी करते हैं, मैंने एक पत्र लिखा है प्रदेश सचिव कांग्रेस के नाते AICC सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी को, कि अलवर जिला अध्यक्ष को उनकी भाषा और उनके जो बयान हैं उसकी वजह से पद से हटाया जाए। अगर वो उन्हें नहीं हटाते हैं या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो मेरा इस्तीफा भी हमने दे दिया कि इसे मंजूर समझा जाए। और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो, और FIR में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे जब तक कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाए। मैं योगेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूं कि 23 अप्रैल 2022 को राजगढ़ में जिस तोड़फोड़ की घटना के विरोध में हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी राजगढ़ गए थे, वहां मैंने मेरे भाषण में, क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदू में भी ब्राह्मण हूं, तो मुझे मेरे धर्म ने, मेरे परिवार ने संस्कार दिए हैं कि मैं सभी देवताओं का सम्मान करूं, सभी धर्मों का सम्मान करूं, और हमें संस्कार दिए गए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश सभी का है। यहां मंदिर भी रहने का अधिकार है, मस्जिद को भी रहने का अधिकार है, या गिरजाघर को रहने का अधिकार भी है, और यह गुरुद्वारे को रहने का अधिकार है। अब चूंकि वहां एक धार्मिक आस्था पर चोट हुई थी, राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड था, भाजपा के बोर्ड ने लोगों के रिहायशी मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो तोड़े, उसके अलावा उन्होंने 3 मंदिर तोड़ दिए, तो अंदर से अपने आप को मेरी आत्मा ने झकझोरा कि क्या हो रहा है। और मैंने ये कहा था कि अगर यह कांग्रेस का वोट होता तो कोई माई का लाल किसी मस्जिद में से एक कंकर हटा के बता देता या किसी मंदिर की एक ईंट हटा के बता देता तो हम उसको देखते। तो मैंने तो किसी समुदाय विशेष की न तो कोई खिलाफत की, ना मुखालफत की, ना कोई मंदिर मस्जिद की खिलाफत की, क्योंकि ये देश सबका है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रहने का अधिकार है और मुझको मेरे धर्म ने सिखाया। लेकिन यह मैं हिंदू हूं, मेरी भावनाएं आहत तो हुई थी उस मंदिर को टूटने से, इसलिए मैं फिर ये कहता हूं कि अगर राजगढ़ में कांग्रेस का वोट होता तो ये कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों की करने की हिम्मत नहीं होती। मेरे कहने का मतलब कुछ लोग गलत निकाल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं, तो मेरा तो आप सबसे एक निवेदन है कि अगर मेरे मस्जिद में कोई कंकर निकालने की बात, मैंने मेरे समुदाय की मजबूती की बात करी थी कि कोई निकाल के तो बता दे, या अलवर में भी नमन होटल से और या मित्तल हॉस्पिटल तक जो मंदिर है उनमें से कोई ईंट तो हटा के बता दे, वो भी सड़क में है। फिर भी अगर किसी भाई की
आत्मा इससे आहत हुई है या किसी को कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है तो मैं